स्वागत है आपका न्यूज 90 पे। मैं बोलते हैं आप लोगों के साथ, आइए एक नजर डालते हैं निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस। जी हाँ, निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी दे दी थी, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल दौड़ उठा। लेकिन आपको बता दें कि ये फैसला आने में पूरे 7 साल और 3 माह लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। आखिरी के 8.5 घंटे तो ऐसे रहे जिस पर सभी देश की निगाहें सोशल मीडिया और टीवी पर टिकी रही। आइए आपको एक नजर डालते हैं कि आखिरी के 8.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिस पर पूरे देश की निगाहें टीवी और सोशल मीडिया पर टिकी हुई। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया। करीब 7 साल 3 महीने की ये लड़ाई निर्भया के परिवार के साथ ही अभियोजन पक्ष के वकील के लिए खासी मशक्कत भरी रही। यही नहीं, दोषियों के फांसी पर चढ़ने के आखिरी 8.5 घंटे तो ऐसे रहे जिसने इस केस से जुड़े लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को रात भर जगाए रखा। कोई सोशल मीडिया तो कोई टीवी से चिपका रहा, सभी ने फांसी टलने की आशंका, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। महीनों से वे इस दिन का इंतजार में थे, लिहाजा पल पल की खबर पर सबकी नजरें बनी हुई थी। आइए आपको बता दें कि इस बार 8.5 घंटे में क्या हुआ। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने 9:00 बजे सुनवाई शुरू की। दोषियों की तरफ से वकील एपी सिंह और शम ने तमाम जिरह की और कोशिश की कि फांसी को रोक लिया जाए, लेकिन जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने 12:00 बजे तक पूरी दलील सुनने के बाद याचिका पर फैसला दे दिया। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, याचिका में कोई इंडेक्स नहीं, मेमो नहीं, कोई सामग्री नहीं, इसलिए आपकी याचिका को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने अपील खारिज की तो निर्भया का परिवार उत्साहित भी होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निर्भया की मां को पहले ही वकील एबी सिंह पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां जाना है जाएं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आज न्याय जरूर मिलेगा और फांसी जरूर होगी। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद वकील एपी सिंह रात करीब 1 बजे किदवई नगर में सुप्रीम कोर्ट के मैशनिंग रजिस्ट्रार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पवन गुप्ता की याचिका पर रात में सुनवाई के अनुरोध किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में मैशनिंग ब्रांच स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, मीडियाकर्मी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भानुमति व अन्य 2 जज मामले की सुनवाई के लिए एपी सिंह के इंतजार में पहले से थे। मैशनिंग रजिस्ट्रार ने एपी सिंह की अपील स्वीकार कर ली और दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई तय की। 3:32 पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया। आखिरकार कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा दोषी पवन की दया याचिका की खारिज करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। सुबह 3:32 पर याचिका को खारिज होते ही यह साफ हो गया कि अब फांसी में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से नितिन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। नितिन, आज सुबह निर्भया के दोषियों को 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है। देश की जनता को बहुत समय से इंतजार था इस फैसले का। आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, कानून ने अपना काम किया है। चारों दोषियों को जो सजा दी थी ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने, और राष्ट्रपति के पास जो उन्होंने अपनी अर्जी लगाई थी दया याचिका की, वो सबको दरकिनार करते हुए फाइनली उनको फांसी की सजा दे दी है। नितिन, लेकिन आरोपियों के वकील एपी सिंह ने 1:00 बजे भी एससी के मैशनिंग रजिस्ट्रार के घर दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 2:30 बजे दोबारा सुनवाई भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि आरोपियों को बचाने के लिए एपी सिंह ने पूरे हथकंडे इस्तेमाल में लिए? देखिए, हथकंडे नहीं कहेंगे, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। वकील तो अपना प्रोफेशनल होता है, उसका तो काम यही है कि भाई प्रोफेशनली वो अपने क्लाइंट की, अपनी पार्टी की, जो भी है, जैसे भी उसको प्रक्रिया है, ये तो उसके पास कि जो उसको लॉ ने जितनी भी रेमेडी दे रखी है उसने सारी अपनी रेमेडी अवेल करी। और अच्छी बात भी है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोषियों को या उसके परिवार को किसी भी प्रकार से कभी भी इस बात का कोई मलाल नहीं रहेगा कि साहब हम ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। अच्छी बात है कि उसने अपनी पूरी रेमेडी यूज करी
और उसके बाद न्यायालय ने हर तरह से सोच समझ करके बिल्कुल क्लियर कट ये फैसला दिया है। ये एक लजीर है देश के। लेकिन नितिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री को लेकर वकील एपी सिंह धरने पर क्यों बैठे? देखिए धरने पर बैठना ये उनका कुछ पर्सनल लुकआउट हो सकता है, इस बारे में तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं एपी सिंह। बात बाकी प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया, वो अच्छा काम है, वो तो एक वकील है, उन्होंने अपना काम किया। बात बाकी धरने पर बैठना ये उनका पर्सनल हो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले से आने वाले जितने भी दोषी होंगे उनके मन में एक डर बन जाएगा? बिल्कुल, इस समय देश में ऐसी स्थिति चल रही है, हम लोग भी अखबार में पढ़ते हैं, आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से भी खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं कि आप इस तरह महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, घरों में भी अत्याचार हो रहे हैं, बाहर भी महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी इस टाइप की चीजें चल रही हैं। इसको देखते हुए ऐसा फैसला आना समाज में एक आपको नजीर पेश करेगा कि महिलाओं के साथ चाहे जो भी अत्याचार होगा या चाहे कोई भी उनके खिलाफ रहेगा। नितिन दोषियों की अगली इच्छा थी कि मुकेश जो दोषी था उसने अपना अंगदान किया, तो आपको क्या लगता है जाते जाते एक अच्छा काम किया उन्होंने? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसके मन में अपने किए के प्रति कुछ प्रायश्चित करने की इच्छा रही होगी, इससे उसने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है और उसे कुछ ग्लानी हो रही होगी मन में और उसने प्रायश्चित करने के लिए ये जो किया है ये बहुत अच्छा है। मैं इस बात की भी उसकी तारीफ करूंगा, इससे ज्यादा उसने जो भी है अपना प्रायश्चित पूरा किया। इस खबर पर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।